मेल मिलाप हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती। तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग फेक बोल देते हैं। मुझे नहीं पता वो अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, बट मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाय हाय, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस। यस, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बिग बॉस रेगुलरली देखती हूँ और अपने व्यूज मैं ट्विटर पे भी लिखती हूँ, तो वहीं से उठा लिया करो यार। उठाते रहेंगे, लेकिन डू यू थिंक यू नो आपने हमेशा तेजस्वी और यू नो करण के गेम के रिलेटेड कहा है, डू यू थिंक कि करण का जो गेम है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी की वजह से कमबैक हो रहा है? हाँ बिल्कुल हुआ है और तेजस्वी का भी हुआ है। यू नो दोनों इंडिविजुअली बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं, दोनों शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे। तेजस्वी बहुत एंटरटेन कर रही थी, करण बहुत बढ़िया तरीके से टास्क कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, इट वाज एंटरटेनिंग एंड सुपर्ब। बट ये जो मेल मिलाप हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन यस उस वजह से दोनों की गेम इफेक्ट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ करण की, तेजस्वी की भी हुई है। एंड आई होप कि देखो बॉन्डिंग तो हर सीज़न में होती है, लेकिन साथ में गेम को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो आई एम होपिंग कि वो गेम भी खेले और एंटरटेन करते रहे। तो बट मैं ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने कुछ चंक्स देखे हैं। जय अंदर है, जय मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मुझे नहीं पता वो अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, बट मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने OTT भी फॉलो नहीं किया, बट उसमें भी कुछ लोगों को मैंने पूरा सपोर्ट किया। मुझे लोग बोलते हैं आप देखते नहीं तो कैसे सपोर्ट करते हो। तो मेरा ये मानना है कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना मुझे लगता है करना चाहिए। उसके लिए शो देखना नहीं देखना वो मैटर नहीं करता, राइट? वो शो देख के उनको सपोर्ट करेंगे तो हम उनको जज करें, फिर वो हमारे दोस्त नहीं। तो मैं जय को सपोर्ट करता हूँ, तेजस्वी के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जिन जिन लोगों को मतलब मैं जानता हूँ मैं ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूँगा। जिनको मैं जानता नहीं और मैंने शो देखा नहीं तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो आई थिंक करण इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी राजीव घर के अंदर गया तो पता तो चलता रहता है, क्योंकि आप जैसे आप अपना फ़ोन खोलते हो तो भर भर के चीज़ें आ जाती है। वेल, तेजस्वी का जो थोड़ा चुलबुलापन है उसको काफ़ी फेक बोला जा रहा है, सिंस आपने काम किया है साथ में, आपको लगता है कि वो फेक? मैंने ये शो देखा नहीं तो इसमें कौन सा दिख रहा है पता नहीं, बट खतरों के खिलाड़ी में तो वो ऐसी ही थी, राइट? एंड कहने वाले लोगों सिर्फ लोगों को कहना है, लोग नहीं कहेंगे तो आपको भी मसाला नहीं मिलेगा। अगर सब लोग अच्छा ही बोलेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर तो बंद ही हो जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग फेक बोल देते हैं, जिनको समझ में आता है वो लोग बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बट जितना मैं जानता हूँ आई थिंक वो ऐसी ही है। एंड और मैंने सुना है वो बहुत अच्छा कर रही, शी इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। सो मेरे हिसाब से देखो, मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त है तो वो मेरे को बोलता था भाई यार मैं थोड़ा मेरे को अपना वेट कम करना है। मैंने बोला तेरे को काम मिल रहा है करना तो मैं क्यों कम करना है? सो इफ़ पीपल आर लविंग यू द वे यू आर देन यू डोंट नीड टू चेंज इट। वो असली हो नकली हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना तो उस ऑडियंस ने उसको स्टार बनाया उसी चुलबुलेपन से। तो आई थिंक जो चीज़ चल रही है काम कर रही है तो वो अच्छी ही होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मतलब शो देखना ज़रूरी नहीं है ना, मेरा दोस्त है मैं उसको सपोर्ट करूँगा, वो अच्छा करे बुरा करे किसी से लड़े मुझे क्या मतलब, है ना? डन सर।